चलिए, तो आज जो हम डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसमें आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों यस मैम आ रही है। मेरा जूम हैंग हो रहा है एक्चुअली। वेट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट माय जूम इज गेटिंग हैंग। वेट अ मिनट, नहीं तो ऐसा ना हो बीच में हैंग हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली, सब लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही हमें एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। x1 y1 x2 y2 ये यूजर से हम एंटर करवा लेंगे और ये जो एंटर्ड वैल्यू है इसके बेसिस पर हम dx और dy जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और x को x1 असाइन कर देंगे और फिर y को y1 असाइन कर देंगे क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है आपकी। फिर dx और dy को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एक इफ एल्स लूप लगाएंगे जिसमें हम ये कंपेयर कर लेंगे कि dx की वैल्यू ग्रेटर है या dy की वैल्यू ग्रेटर है। दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर है उसको हम क्या बना देंगे, उसको हम लेंथ बना देंगे। फिर हम निकालेंगे x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट की वैल्यू। तो ये जो x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है, यहाँ पर आपने x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपको x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप इसको xi और yi से भी डिफाइन कर सकते हो आपको यदि वहां पर करना है तो ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 9 में x इक्वल्स टू x प्लस x इंक्रीमेंट निकालना है और y इक्वल्स टू y प्लस इंक्रीमेंट निकालना है और फिर फाइनली आपको वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर सेट पिक्सल लिखा हुआ है, आपको सेट पिक्सल की जगह यहाँ पर पुट पिक्सल हम लगाएंगे और साथ में हम लूप भी लगाएंगे क्योंकि हमको लेंथ टाइम जो है हमारे फॉर्मूले को चलाना है, ठीक है। किस ये मैंने अल्गो इसलिए रिपीट करवाया है क्योंकि डीडीए एल्गोरिदम यदि आपको नहीं पता है तो आप इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डीडीए एल्गोरिदम आपको क्लियर है पूरा? यदि क्लियर हो तो फिर हम एल्गोरिदम उसको करना स्टार्ट करें। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर 22 स्टूडेंट, सबको डीडीए एल्गोरिदम क्लियर है? और देखो थोड़ा बहुत जो नहीं भी क्लियर है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अपन उसको जब आप डीडीए एल्गोरिथम को जब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, तब अपन उसको करके देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपको बैकग्राउंड में एल्गो भी दिख रहा है? चलिए, सी प्लस प्लस की स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। चलिए अपन फाइल लेते हैं और यहाँ पर जी दरवाजा लगाना है, एक मिनट। फाइल लेके इसको पहले अपन सेव कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर डीडीए लाइन सेक्शन बी डॉट सीपीपी, ठीक है। सबसे पहले अपन जो भी आपको पर्टिकुलर, अपन तो एक काम करते हैं, अपन तो अपनी ग्राफ को ही यहाँ पर, अपन को तो वैसे भी ग्राफ के थ्रू ही बनाना है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर अपनी ग्राफ्स को ही कॉल कर लेते हैं। जस्ट लेट मी चेक कि अपन ने ग्राफ कौन सा बना रखा है। ग्राफ b1 और ड्रॉ ग्राफ नाम का फंक्शन है। हैश इंक्लूड देन ग्राफ b1.h, ठीक। इसमें आपने सारी फाइल ऑलरेडी इंक्लूड करके रखी है तो डायरेक्ट वॉइडमेंट लगा दो, कोई एरर आएगी तो बाद में अपन देख लेंगे इन एरर को। C++ विजिबल है ना क्लियरली? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब सबसे पहले अपन तो ड्रॉ ग्राफ लगा देते हैं। ड्रॉ ग्राफ मतलब अपन ने जो लाइन को कॉल करने के लिए प्रोग्राम बनाया था, ठीक। और गेट सी एच, एक बार इसको मैं चला के देख लेती हूँ कि हमारा जो ग्राफ है वो प्रॉपरली कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरा ग्राफ जो एब्सोल्युटली फाइन है, प्रॉपरली कॉल हो रहा है, तो इसी प्रोग्राम में मैं आगे डीडीए लाइन को बनाती हूँ, ठीक। आप देखिए, अभी अपन ने देखा डीडीए लाइन बनाने के लिए इंट क्या लेंगे, x1 जो यूजर से लेना है, y1 यूजर से लेना है, देन x2 ये भी यूजर से लेना है और y2 ये भी क्या करना है आपको, यूजर से लेना है। उसके अलावा आपको
x वैल्यू लेनी है, y वैल्यू लेनी है, डेल्टा x लेना है, डेल्टा y लेना है, और उसके अलावा आपको x इंक्रीमेंट लेना है और आपको y इंक्रीमेंट लेना है, ठीक है। यदि हम इसके अलावा कोई भूलते भी है तो हम बाद में ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, हम उसको बाद में ले लेंगे, ठीक। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लाइन, थोड़ा अच्छे से प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, देन सी इन, ताकि जो भी प्रोग्राम को यूज करे उसको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। तो सी इन क्या लिख दिया अपन ने, x1 एंड y1, ठीक। इस स्टेटमेंट को कंट्रोल इंसर्ट एंड देन शिफ्ट इंसर्ट, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ लास्ट एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन, तो ये कौन से हो गए आपके x2 और y2, ये दो आपके पॉइंट्स हो गए। अब देखिए आपकी स्टेप नंबर थ्री यही थी कि आपको यूजर से एंटर करवाना x1 y1 और x2 y2। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर फोर पर। स्टेप नंबर फोर पे हमको dx को कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे dx equals to x2 minus x1, and step number five dy is equals to y2 minus y1, ठीक है ना। ये आपने ये वैल्यूज जो है वो dx और dy की प्रिंट करवा ली। अब एक बार आपके पास dx और dy की वैल्यू प्रिंट हो गई तो आपको क्या करना है, लेंथ को कैलकुलेट करना है। देखो अपन ने लेंथ कहीं भी नहीं लिया है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर कॉमा लगा के लेंथ भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, अपन ने एक लेंथ नाम का वेरिएबल भी ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इफ लूप लगाएंगे, सॉरी इफ कंडीशन लगाएंगे। अब कौन बताएगा मुझे कि इफ के अंदर क्या लिखेंगे, इफ dx इज ग्रेटर देन dy, इज इट ओके? Yes, ma'am. तो क्या लिखेंगे, yes, ma'am. If dx is greater than dy, then length equals to, length equals to dx. dx. जोर से बोलिए ना, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? Else क्या आएगा? Else पार्ट में else length equals to dy, else length equals to dy, dy, करेक्ट। तो ऐसे में आपकी लेंथ जो है वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये आपकी स्टेप नंबर कौन सी हो गई, सिक्स हो गई। आपने लेंथ को कैलकुलेट कर लिया कि जो dx है यदि वो बड़ा है तो वो लेंथ बन जाए, और यदि dy बड़ा है तो वो लेंथ बन जाए। अब अपने को स्टेप नंबर सेवन करना है। अब स्टेप नंबर आपकी सेवन क्या है, x इंक्रीमेंट, मतलब xi equals to। अब xi equals to क्या है, dx by length, तो dx पहले लिख लो और डिवाइडेड बाय आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो तो कैलकुलेट हो ही गई है, डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। चलिए और यहां पर जो आपकी yi है, Isn't it? जो yi है that is equals to क्या हो जाएगा, dy by length, ठीक, ये आपका हो गया। अब स्टेप नंबर सेवन में आपने x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट तो निकाल लिया, लेकिन x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट निकालने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज करनी थी कि आपने क्या यहाँ पर पुट किया कि x equals to x1, मतलब x1 की वैल्यू x में डाल दी, और सिमिलरली आपने y1 की वैल्यू y में डाल दी। तो x1 y1 सबको 0-0 पुट करता है, तो x और y इनिशियली क्या हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा। क्यों 0-0 हो जाएगा, क्योंकि आपको जो अलगो है वो वहीं से शुरू करना है। क्लियर है आपको, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू जीरो, क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, फिर i less than equals to length, क्योंकि मैंने बताया था अपन ने एल्गोरिथम खुद सॉल्व किया है, हमने
कितनी बार चलाया था लूप को, लेंथ टाइम, यदि लेंथ की वैल्यू 6 आई थी तो 6 बार, यदि लेंथ की वैल्यू 12 आई थी तो 12 बार, मतलब जितनी बार जो हमारी लेंथ की वैल्यू आई है उतनी बार हमने लूप चलाया है। और आप यहाँ पर लिख देंगे आई प्लस प्लस, और अब लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, लेट्स चेक कि अब आप लूप के अंदर क्या लिखने वाले हैं। लूप के अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि x equals to, मतलब अब नई वैल्यू जो है x की, पहली वैल्यू तो x और y की 0-0 आ गई जो फर्स्ट वैल्यू है, अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आपको x equals to x plus xi लिखना पड़ेगा, और y is equals to y plus yi लिखना पड़ेगा। x equals to x plus xi और y is equals to y plus yi, ये आपका आपकी x और y की वैल्यूज आ गई। और इसके बाद आप लगाएंगे पुट पिक्सल, मतलब एक बार आपके पास यदि वैल्यू आ गई तो इन वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा। तो पुट पिक्सल जो होता है, मैं बता देती हूँ, शिफ्ट F1 में जाएंगे, यहाँ पर पुट पिक्सल फंक्शन देखेंगे, ये पुट पिक्सल आ गया। पुट पिक्सल क्या करता है, इट प्लॉट्स अ पिक्सल एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट, जैसे मैंने बताया था आपको स्क्रीन पर पॉइंट को पुट करना है, और आपको पुट पिक्सल में 3 वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इंट एक्स, इंट वाई और इंट कलर, आपको यहाँ पर 3 चीजों की जरूरत जो है वो पुट पिक्सल में पड़ती है। तो आप एक्स और वाई तो आपका पता ही है आपको भी, तो एक्स कॉमा वाई, और कलर देना है तो उसको बड़े उसमें लिख देंगे व्हाइट, मतलब आपको यदि व्हाइट कलर का बनाना है तो व्हाइट, आपको पिंक कलर की लाइन बनाना है तो पिंक, जो कलर आपको यहाँ पर लिखना है। और इन कलर्स के नंबर्स भी होते हैं, सेट बैकग्राउंड कलर में आप कलर में जाकर उसको सेट कलर में जाके कलर की पूरी नंबरिंग भी पूरा चार्ट देख सकते हो, तो उसके हिसाब से देखो। पर हम वही पर हम तो हमारी स्केल के हिसाब से बनाएंगे, तो अगेन गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस, इसको एक्स में ऐड कर देंगे, और गेट मैक्स वाई डिवाइडेड बाय 2, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है आपको ये चीज पूरी, यस और नो? यस यस। और हमने यहाँ पर हमारा जो ड्रॉ ग्राफ है इसको मैं यहाँ से हटा के ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी गेट सी एच रहने दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर ड्रॉ ग्राफ जो है हम इस जगह पे लिख देते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारा ग्राफ जो है पहले ही प्रिंट हो जाएगा। ड्रॉ ग्राफ, चलिए एक बार इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। अरे वाह, कोई एरर नहीं है, देखते हैं फिर आंसर आता है या नहीं आता है। कंट्रोल F9, तो सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, सपोज आई एंटर इज 0 and 0, और सेकेंड एंड पॉइंट सपोज प्रिंट करना है 100 and 100। एब्सोल्युटली DDA चल गया बहुत शानदार तरीके से, इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब आपका DDA लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिदम आपका इस पे भी चल गया। देखो अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से प्रोग्राम बताया है, आपको यदि वैल्यूज को कैलकुलेट करवाना है तो नो प्रॉब्लम, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी मना नहीं है कि आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करवा सकते। जैसे आपने उसमें करवाया था किसमें, आपके न्यूमेरिकल में, जैसे हमने खुद सॉल्व करके वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, आप वैल्यूज को भी आराम से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपने dx dy यहाँ पर लिखा, तो यू कैन राइट हियर सी आउट द वैल्यू ऑफ dx एंड dy इज dx और dy, इस तरह से आप वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर लेंथ है तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो सी आउट द लेंथ इज, क्योंकि ये तो देखो सी प्लस वाली चीज है तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से आती है, मेरी तो इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है सी प्लस प्लस की, आप लोग तो डेली काम करते हो, है ना, तो आप लोग तो मुझसे अच्छा प्रोग्रामिंग जानते हो,
तो इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल टू डू राइट. तो इस तरह से आप लेंथ को प्रिंट करवा सकते हो. आपको एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो यू कैन राइट हियर दैट ऑल्सो सी आउट वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड वाई आई इज, और इसको एक्स आई और वाई आई कर दीजिए. ठीक है, तो आपके ये एक्स आई और वाई आई भी प्रिंट हो जाएंगे. इस तरह से आप जो है आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो प्रिंट, मतलब वो आसानी से आपका चल जाएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब आपको यदि हर एक पॉइंट को प्रिंट करवाना है, ठीक है ना, तो भी आप वो भी करवा सकते हो. पहले तो अपन ये प्रोग्राम को एक बार चलाकर देखते हैं. आपको पहले फर्स्ट पॉइंट को एंटर करना है. सपोज पहला पॉइंट आपने एंटर किया सपोज 40 40, एंड सेकंड पॉइंट जो आपने प्रिंट किया सपोज इट इज 200 एंड 200. तो देखो यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज भी आ गई और आपकी जो लाइन में है वो भी प्रिंट हो गई है. इसको अपन वो मैंने स्लैशन वगैरह यूज नहीं किया इसलिए नहीं हुआ. देखो द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई कितनी आ गई, 160 160 आ गई. लेंथ कितनी, दोनों इक्वल थी 160 160, तो लेंथ भी कितनी हो गई, 160 160 हो गई. और वैल्यू ऑफ एक्स आई और वाई आई कितनी हो गई, 11. मतलब इस तरह से आपका आंसर आराम से जो है वो आ जाएगा, आप सब कुछ प्रिंट निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और आप अच्छे से एकदम जो है आपका प्रोग्रामिंग जो का पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे और बताती हूँ आपको. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या अभी? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो. चलिए एक बार माइनस की स्केल पे चलाकर देख ले फिर. सपोज आई गिव वैल्यू एज -120 -120 एंड देन +120 +120. देखिए आपकी लाइन बिल्कुल करेक्ट बन गई. द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड डी वाई इज 240 240, द लेंथ इज 240 एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड वाई आई इज 11. ये 11 क्यों आ रही है वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड वाई आई? कुछ गलत आ रही है एक्स आई और वाई आई की वैल्यू? एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं एक बार. ठीक है, तो आपका देखो -120 -120 से आपका +120 120 आपका ग्राफ रेडी है. इज इट ओके? यस मैम. यस मैम. कोई और है या नहीं क्लास में दो तीन लोगों के अलावा? पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है. यहाँ पर एक्स आई और वाई आई की वैल्यू जो है वो बार बार 11 ही क्यों आ रही है, और इसमें तो दो वैल्यूज आना चाहिए. देखते हैं चलो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें. ठीक है, अब देखो इसमें अपन कलर देखते हैं एक बार ट्राई करके. मुझे याद तो नहीं है पर लेट्स चेक, अपन एक बार पिंक कलर करके देखते हैं. पिंक इज अनडिफाइंड आ गया ना, पिंक नहीं होगा. पर्पल है क्या? लाइन बनाते हैं, कुछ नया स्केल लेते हैं. -240 से 120 और 80 से लेकर -80 तक. देखिए आपकी येलो कलर की जो लाइन है वो बन गई है. ठीक है, जो लाइन है दैट बिकम्स येलो कलर. क्लियर? तो आप ऐसे जो है लाइंस के कलरिंग भी जो है वो चेंज कर सकते हो इस तरह से.
चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या तो पूछ लीजिए एक बार। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ जो रिपीट किया है डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में। सबसे पहले आपने X1, Y1 और X2, Y2 यूजर से एंटर करवाए, आपने डिफरेंस निकाल लिया dx और dy के फॉर्म में, और आपने पहले कंपेयर कर लिया कि dx और dy में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। जो वैल्यू ग्रेटर है आपने उसको लेंथ बना दिया, उसके लिए आपने इफ लूप लगा दिया, इफ dx इज ग्रेटर देन dy। यदि dx बड़ी है dy से तो dx लेंथ बन जाए, और ऐसा नहीं है तो लेंथ बन जाए dy। ठीक, फिर आपने x इंक्रीमेंट की वैल्यू निकाल ली, x इंक्रीमेंट होता है dx बाय लेंथ, और y इंक्रीमेंट होता है dy बाय लेंथ। और आपने x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट निकालने के बाद आपने फर्स्ट जो वैल्यू x1 y1 उसको x और y असाइन कर दिया है, और यहाँ पर आपने एक फॉर लूप लगा दिया है। इस फॉर लूप में हमने क्या किया है, i = 0 से शुरू करके i = length तक हमने लूप चलाया। टोटल लेंथ टाइम हमारा जो लूप है वो चलना चाहिए, और i++ यहाँ पर हमने कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला है वो लगाया कि हर एक एक्स की जो नई वैल्यू आई है उसमें एक्स का इंक्रीमेंट हम ऐड करेंगे, और हर एक वाई की जो वैल्यू आई है उसमें हम वाई आई का इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। ऐसा एक्स आई और वाई आई का इंक्रीमेंट हम हर बार जो है ऐड करते जाएंगे, और इससे हमारा जो पुट पिक्सल है वो हमारा निकलते जाएगा। और हमने उसको गेटमैक्स एक्स और गेटमैक्स वाई के टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि वो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग चले, ये तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। और जो थर्ड पुट पिक्सल का जो थर्ड एलिमेंट होता है वो कलर होता है, जिस भी कलर की आपको लाइन बनानी है वहां पर आप प्रिंट कर सकते हो। आपको यदि रेड कलर की लाइन बनानी है तो आप रेड जो है वो लिख सकते हो। आपको एक्स और वाई की यदि डिफरेंट वैल्यू यदि पुट करनी है तो आई थिंक आप वैल्यूज को भी पुट कर सकते हो यहाँ पर, सी आउट दी वैल्यूज ऑफ पिक्सल्स आर एक्स और वाई। देखते हैं ऐसा अपन चलाकर क्या रिजल्ट आता है, रेड लाइन भी आती है या नहीं। तो आपने वैल्यू किया 0, 0 एंड सपोज इट इज 10 and 10। अपन तो सिंपल वाले ही चलाकर देखते हैं, आई थिंक वैल्यूज तो आ जाएगी आपकी, है ना। एक मिनट, इस प्रोग्राम को थोड़ा सिस्टमेटिक बना लेंगे अभी नेक्स्ट, उसमें तो आपका ये ठीक से दिखने लगा। देखो आपकी रेड लाइन तो बहुत छोटी सी बन गई है, 0, 0 से 10, 10 तक दिखाई दे रही है रेड लाइन। यस मैम, वो तो बन गई आपकी 0, 0 से 10, 10 तक। और ये जो वैल्यूज को हमने प्रिंट करवाई है, देखो आपकी वैल्यूज भी बहुत सही प्रिंट हो गई है, बस उसको हमको /t/l लगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले वैल्यू क्या आई पिक्सल की, 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3, 4, 4, 5, 5 दिखाई दे रही है, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 और 10, 10 और 11, 11 पे आपका वो एंड हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपका डीडीए लाइन ड्राइंग, एक बार आपने यदि लैब में अच्छे से प्रिंट कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपको कोई भी